सामाजिक न्याय कक्षा ग्यारहवीं एक अत्याधिक महत्वपूर्ण अध्याय सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय ये विषय या ये अध्याय मैंने कहा अत्याधिक महत्वपूर्ण और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र का विषय है क्योंकि राजनीति शास्त्र में जो भी है या किसी भी अन्य विषयों में जो भी है उसके पीछे जो मकसद है उसके पीछे जो देश होता है वो होता है समाज के लिए न्याय वो होता है समाज के लिए सामाजिक न्याय इन सभी गतिविधियों का लक्ष्य है सामाजिक न्याय इन सभी गतिविधियों का चाहे वो शासन का हो चाहे वो कानून का हो या कार्यपालिका का हो या अन्य विषयों के अन्य भाग की बात करें तो उन सब का लक्ष्य क्या होता है हम जो भी कर रहे हैं सरकार जो भी कर रही है उसके पीछे लक्ष्य होता है मानव का विकास और विकास तब संभव है जब न्याय हो न्याय का अर्थ आप जिस रूप में सामान्यतया समझते हैं आज हम उससे थोड़ी गहराई में जाकर इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है न्याय है क्या बला? और उसमें से हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की व्यक्तिगत न्याय की नहीं जो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा वो है सामाजिक न्याय इससे पहले मैं सामाजिक न्याय की ओर बढ़ूं। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने अब तक जो अध्याय पढ़े हैं राजनीति शास्त्र में जिसमें अधिकार समानता स्वतंत्रता कर्तव्य आदि या राजनीति के सिद्धांत ये जो विषय हमने पढ़े हैं आपने पढ़े हैं आपने, है, आपने समझा है और तब जाकर हम इस विषय पर आ रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक न्याय ये जो विषय हमने पढ़े हैं जिसका मैंने जिक्र किया समानता स्वतंत्रता अधिकार ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपने ये स्पष्ट रूप से समझा है कि समानता की बात जब करें तो समानता शत प्रतिशत नहीं हासिल की जा सकती और ना ही करना चाहिए यानी उसमें एक सीमा है एक लक्ष्मण रेखा है कैसे पंग लोगों को शारीरिक रूप से जो कमजोर हैं या जो बहुत निम्न श्रेणी के समाज के वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान कानून में किए गए हैं ये समानता की भावना के खिलाफ है आरक्षण आरक्षण क्या है किसी एक वर्ग को कुछ विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान चाहे नौकरी के रूप में चाहे किसी तो जो दूसरा वर्ग है उसके लिए तो ये समानता नहीं हुई ऐसे ही स्वतंत्रता की यदि बात करें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हर व्यक्ति नहीं ले सकता स्वतंत्रता की भी अपनी एक सीमा है स्वतंत्रता हम तब तक उसका आनंद ले सकते हैं जब तक कि वह दूसरे की स्वतंत्रता पे हनन ना कर रहा हो तो उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा है असीमित नहीं है समानता का दायरा भी असीमित नहीं है और ऐसे ही अधिकारों की बात यदि करें तो अधिकारों में तो बहुत से जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं उस मूलभूत अधिकारों में आप देखेंगे कि कई अधिकारों के बारे में बात करते हुए संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि कुछ अधिकारों से समाज में कानूनों के माध्यम से कुछ वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास यानी उच्च वर्ग के समकक्ष लाने के प्रयास में कुछ अधिकारों की लक्ष्मण रेखा उन लोगों के लिए आगे खींची गई है जबकि जो उच्च वर्ग के सम्पन्न वर्ग के शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए लक्ष्मण रेखा थोड़ी पहले है अर्थात अधिकारों के मामले में भी सबको समान अधिकार नहीं है जो नीचे तबके के लोग हैं जो वंचित लोग हैं निर्धन लोग हैं उनके लिए कुछ अधिकारों में कुछ अतिरिक्त प्रावधान किया गया अर्थात ये भी असीमित नहीं है ये भी बराबर नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये है की समानता स्वतंत्रता अधिकार आदि असीमित नहीं है वे एक दायरे के अंदर रहते हैं एक सीमा रेखा के अंदर कार्य करते हैं लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल जस्टिस जिसमें हम यदि न्याय को लें, तो न्याय शब्द असीमित है न्याय में ऐसा कुछ नहीं है कोई ऐसा बंधन नहीं है कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जिसके आगे किसी दूसरों को कुछ ज्यादा न्याय और अन्य को कम न्याय वाली बात हो ऐसा नहीं है न्याय सबके लिए समान है असीमित है और न्याय में किसी भी तरह का ऊंच नीच कम ज्यादा निर्धन धनी उच्च वर्ग निम्न वर्ग शारीरिक रूप से पंगु और सक्षम शिक्षित अशिक्षित ऐसा कोई प्रावधान नहीं है न्याय अर्थात न्याय न्याय असीमित दूसरे शब्दों में आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें केवल एक ही चीज होती है। जैसे समानता में कुछ असमानता आवश्यक है अधिकारों में कुछ कम ज्यादा आवश्यक है आवश्यक है स्वतंत्रता के मामले में भी कुछ हद तक बंधन आवश्यक है और उन बंधनों से हम बाध्य हैं यानी बंधन से हम बाध्य हैं ये भी एक कानूनी प्रावधान ही है लेकिन सामाजिक न्याय की यदि बात करें तो उसमें किसी भी तरह का ऐसा बंधन नहीं है किसी भी तरह का बंधन सामाजिक न्याय के मामले में नहीं है इस बात को हम बार बार आपको बताना चाह रहे हैं और इसको आप बैठा लीजिए अपने मन में तो इस दृष्टि से न्याय जो विषय है वह अन्य विषयों से जिसे हम पढ़ चुके हैं उससे अलग है ठीक तो यह जानने के बाद कि न्याय अन्य मुद्दों से कैसे अलग है अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि न्याय की परिभाषा न्याय की व्याख्या क्या है आखिर न्याय का अर्थ क्या है और मैंने शुरू में कहा कि न्याय का अर्थ आप समझते हैं लेकिन उसमें और गहराई में जाने की जरूरत है क्योंकि आप सामान्यतया जो न्याय समझते हैं वो सामाजिक न्याय से कुछ भिन्न है सामाजिक न्याय से कुछ भिन्न है उदाहरण के लिए हम बात करते हैं देखिए न्याय की परिभाषा देना पहली बात तो बहुत कठिन है क्या न्याय है ये परिभाषित करना राजनीतिक विचारकों के लिए एक बड़ा कठिन काम हो गया है क्योंकि समय समय पे न्याय का अर्थ न्याय का दायरा न्याय का परिवेश ये बदलता रहा है और हर व्यक्ति के लिए न्याय का अर्थ अलग अलग होता है और समस्या वहीं आती है इसीलिए कुछ अन्य तरीके अख्तियार किए जाते हैं ताकि सामाजिक न्याय में किसी तरह का विरोधाभास ना हो किसी तरह का वैचारिक मतभेद ना हो सामाजिक न्याय में उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि प्रेम प्रेम एक शब्द आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और पढ़ा क्या है उसको अनुभव भी किया है सभी लोग प्रेम करते हैं माँ बाप से प्रेम करते हैं अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं बच्चों से प्रेम करते हैं जानवरों से प्रेम करते हैं अपने आप से प्रेम करते हैं और आसपास के वातावरण से प्रेम करते हैं और प्रेम हमारे हर एक व्यक्ति के, के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है प्रेम की जो भावना है लेकिन क, समझने की बात यह है कि प्रेम के अलग अलग शब्द आपको अलग अलग कुछ अर्थ देंगे सबका अर्थ वैसे तो प्रेम ही है लेकिन इसको भी परिभाषित नहीं किया जा सकता प्रेम को भी परिभाषित ऐसे नहीं किया जा सकता जैसा कि अन्य विषयों में परिभाषा की हम बात करते हैं प्रेम यानी मोहब्बत प्रेम यानी प्यार प्रेम यानी स्नेह प्रेम का अर्थ होता है वात्सल्य प्रेम का अर्थ होता है इश्क और ना जाने क्या क्या प्रेम की तो परिभाषा या प्रेम की जो आ, प्रेम के अंदर जो निहित तत्व है वह इन अलग अलग शब्दों के साथ थोड़ा थोड़ा अपना रूप बदलता है लेकिन कुल मिलाकर ये सब क्या है प्रेम के विभिन्न रूप हैं इसे परिभाषित नहीं कर सकते इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते लेकिन हम जानते हैं सब कि आखिर प्रेम है क्या हम सब इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं और प्रेम की बात करते हुए हम एक बड़ी एक सहज अनुभूति होती है यदि भी हो सकता है कि हम इसको व्याख्या ना कर सकें लेकिन अनुभूति सब करते हैं व्याख्या ना कर सकें लेकिन अनुभूति सब करते हैं इस बात से तो आप सब सहमत होंगे पुस्तक से प्रेम होता है वो प्रेम क्या वात्सल्य है वो प्रेम क्या इश्क है वो वाला प्रेम क्या मोहब्बत है वो वाला प्रेम क्या प्यार है क्या है तो ऐसे प्रेम के अलग अलग रूप हैं और उन सब का सम्मिश्रण उन सब का निचोड़ एक में लाकर परिभाषित करना संभव नहीं है यही बात न्याय के साथ भी है जैसा प्रेम को हम परिभाषित नहीं कर सकते ऐसे न्याय को भी हम परिभाषा के दायरे में नहीं बांध सकते ये आपको याद रखना होगा और यही इन दोनों में एक तरीके से समानता है इन दोनों में एक तरीके से कॉमननेस है कि जैसे प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते ऐसे इसको नहीं कर सकते लेकिन एक अंतर भी है प्रेम और न्याय में जहां समानता है वहां एक मूलभूत अंतर भी है वो उस अंतर की बात अब हम करें और वो अंतर ये है कि प्रेम जो है वो एक रिश्ता है रिश्ते के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग नाम से दिया गया है अलग अलग नाम दे दिया गया है जो मैंने नाम बताए ये प्रेम के रिश्तों के विभिन्न पहलू हैं। तो इस प्रकार प्रेम उस हद तक न्याय से अलग है जबकि न्याय का सरोकार केवल एक चीज से है वह है समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने की कला न्याय क्या है प्रेम के तो अलग अलग रूप देख लिए लेकिन न्याय न्याय का जो संबंध है वो समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन ख्याल रखिए हमारा खुद का व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से उसका ताल्लुकात है और इसमें क्या होता है कि ऐसा करने के लिए ये व्यवस्थित करते समय सामंजस्य बैठाते समय समाज के विभिन्न तबकों में एक व्यवस्था लाने के लिए जो कानून जो बनते हैं वे उनका मकसद क्या होता है सामाजिक लाभ और कर्तव्यों का बंटवारा तो इस रूप में न्याय प्रेम से भिन्न है इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए केंद्र की के बहुत महत्व की चीज़ है अर्थात क्या हुआ अब ये राजनीति की बात कहाँ आ गई न्याय को लेकर मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि जो भी राजनीति होती है उस सबके पीछे एक मकसद होता है और वह होता है जनता जनार्दन का विकास और विकास सामाजिक न्याय के साथ विकास कैसे सामाजिक न्याय के साथ कुछ का विकास और बाकी का ह्रास ये किसी तरह की राजनीति का क्षेत्र नहीं हो सकता राजनीति में सभी का विकास समानता के साथ ये उद्देश्य रहता है और इसलिए राजनीति में ये जो बात है कि सामाजिक न्याय तो राजनीति में सामाजिक न्याय केंद्र पर रहता है हाँ ये बात दूसरी है कि जब राजनीति होती है पार्टियां आती हैं सरकार बनती है चुनाव के वादे होते हैं तो सभी लोग जो भी बात करते हैं वो सामाजिक न्याय की करते हैं भले ही सामाजिक न्याय के नाम से कुछ अन्य तरीके अख्तियार कर लिए जाएं, जिससे न्याय ना हो करके शायद अन्याय हो रहा हो तो अब ये बात आती है अन्याय की तो न्याय बनाम अन्याय न्याय बनाम अन्याय हर राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु ये सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है सामाजिक न्याय का लक्ष्य हर राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है इस प्रकार हम संक्षिप्त में यदि बात करें बिंदु आर्य यदि उसको समझने की कोशिश करें तो ये बात तय है कि न्याय प्रेम की तरह कभी बुरा नहीं होता प्रेम में आपको कुछ झटके लग सकते हैं कुछ अनहोनी हो सकती है कुछ शौक लग सकता है लेकिन प्रेम अच्छा ही तो होता है ऐसे ही न्याय भी तो न्याय और प्रेम की तुलना करते समय इस बात को याद रखना है कि न्याय को कोई भी बुरा नहीं कह सकता न्याय स्वयं में अच्छा ही है यह तो हो गया पहला बिंदु दूसरा जैसा मैंने बताया कि दूसरा बिंदु है न्याय का सरोकार हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन हमारे और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने और हमारे अपने कर्तव्यों के बंटवारों के लिए होता है उसके माध्यम से होता है उनके नियमों और तरीकों को व्यवस्थित करने के समाज समाज व्यवस्थित रूप से चले सुचारू रूप से चले और वो तभी संभव है जब न्याय होगा तीसरा बिंदु जिसकी चर्चा की कि न्याय जो है वो राजनीति के लिए केंद्रीय महत्व का विषय है मैंने बताया जितनी भी राजनीति होती है उसका केंद्र बिंदु क्या होगा न्याय चौथा और अंतिम बात जो आपको बताई सामाजिक न्याय मुख्यतः समाज के विवश और वंचित लोगों की दशा सुधारने की मांग करता है हमारा विषय क्या है सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय में व्यक्तिगत बनाम सार्वजनिक जीवन इसके बीच में तालमेल बैठाना किस लिए वंचित और निम्न तबके के लोगों को जो विवश हैं समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए व्यवस्था करना कानूनी जरिया अपनाना उनकी दशा सुधारने के तरीके खोजना यही न्याय है तो दूसरे शब्दों में सामाजिक न्याय मुख्यतः समाज के विवश और वंचित वर्गों की दशा सुधारने की मांग करता है यानी सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है नीचे के लोगों की दशा सुधारना तभी समाज में सब तबके के लोग खुश रहेंगे खुशहाली होगी विकास होगा तो हम इस अध्याय में आखिर पढ़ने क्या जा रहे हैं हमारा सामाजिक न्याय विषय पढ़ने का उद्देश्य क्या है एक उद्देश्य तो स्पष्ट है एक कारण तो स्पष्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु विषय है और केंद्र क्यों है क्योंकि इसका ताल्लुक समाज से है जो या समाज के विकास से है जो किसी भी शासन का किसी भी राजनीति का लक्ष्य होता है तो इस पाठ को इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो इस अध्याय के अंत में आते आते हम क्या सीख लेंगे पहला कि न्याय क्या है उसके सिद्धांत क्या हैं न्याय के सिद्धांत क्या हैं ये पहला बिंदु होगा और न्याय के सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो न्याय का अर्थ समय समय पर बदलता रहा चाहे हम प्राचीन काल की बात करें मध्यकाल की बात करें या आधुनिक काल की बात करें न्याय की आज का जो अर्थ है वह प्राचीन अर्थ से बदला हुआ भिन है भिन्न है मध्यकाल में न्याय का कुछ और अर्थ होता था और इसका अर्थ ये नहीं है कि न्याय का अर्थ पूरा का पूरा बदला था लेकिन न्याय को न्याय देते समय अलग अलग कालों में अलग अलग बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई हम उसपे आगे चर्चा करेंगे क्योंकि अभी केवल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर इस अध्याय में हम सीखेंगे क्या तो हम सीखेंगे दूसरा बिंदु न्याय के अलग अलग काल में हुए जो सिद्धांत हैं जो अर्थ है उनको समझने की कोशिश करेंगे दूसरा है बिंदु जो हम समझेंगे वितरणात्मक न्याय का अर्थ क्या है वितरण वितरणात्मक वितरण करना है वितरण यानी बांटना तो बांटने वाला न्याय देखिए जो मैंने कहा अभी कि एक तो हमने बताया न्याय क्या है समझने की कोशिश की न्याय की प्रेम शब्द से तुलना करके फिर न्याय बना अन्याय आया उसके बाद अलग अलग कालों में न्याय के अलग अलग अर्थ निकले ऐसा थोड़ा हमने समझा अभी सुना और उसमें से एक तत्व है वितरणात्मक न्याय का अर्थ और ये सब क्या है ये सब है सामाजिक न्याय के मातहत वितरणात्मक न्याय का अर्थ क्या है तीसरा बिंदु जो हम समझेंगे वो है जॉन रॉल्स इनके न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स एक बहुत ही प्रसिद्ध अत्यधिक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रहे हैं और उन्होंने न्याय के सिद्धांत पर काफी कुछ रिसर्च किया काफी कुछ अध्ययन किया और उस पर अपनी पुस्तक लिखी ये जॉ जौ, जॉन रॉल्स इनका जन्म करीब 1921 के आसपास हुआ था और 2002 में इनकी मृत्यु हुई मात्र 18 वर्ष पूर्व 18-19 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हुई तो जाने के पहले तक ये राजनीति विज्ञान में न्याय विषय को लेकर स्वयं में एक लेजेंड बन चुके थे और इनके जो विचार हैं आज मूल रूप से आज मुख्य रूप से न्याय के सिद्धांतों को लेकर इनके जो विचार हैं वो अमूनन सभी लोग स्वीकार करते हैं तो उस पर हम थोड़ा जानेंगे कि इनके अनुसार न्याय का सिद्धांत क्या है किस आधार पर न्याय किस चीज़ को न्यायोचित कह सकते हैं किसी किसी चीज़ की किसी बात पर न्याय और अन्याय का विवेचन करते समय किन बिंदुओं को सोचा जाता है देखा जाता है ये हम जॉन रॉल्स के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हुए समझेंगे और अंतिम बिंदु जो हम समझेंगे कुछ अन्य विचारकों के बारे में राजनीति विज्ञान में कुछ ऐसे अन्य विचारक हुए जिन्होंने न्याय पर काफ़ी बातें की उसमें कुछ भारत के भी विचारक हैं और कुछ विदेशी हैं कुछ नाम आपके लिए पुराने हैं परिचित हैं और कुछ नए नाम सामने आएंगे सो न्याय पर विभिन्न कालों के कुछ विचारकों के विचार ये चार बातें न्याय के सिद्धांतों की पहचान वितरणात्मक न्याय का अर्थ जॉन रॉल्स और साथ ही न्याय के विभिन्न कालों के कुछ विचारकों के बारे में विचार जानेंगे